रणदीप रखवाल। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा जापान से आया हूँ। ये जो हमारा लोगो है, ये सबसे बड़ी नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पोर्ट्स एक तो मेन है कंपोनेंट। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और सिर्फ लॉ और म्यूज़िक नहीं है, बाकी सब हैं। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो शुरू हुआ है, कहाँ हैं प्रोफेसर सरस्वत मेरे बैचमेट हैं केंद्रीय विद्यालय मथुरा से। तो हम 2 साल साथ पढ़े हैं, तो वो दोस्ती करते करते मेरे को वापस ले आए जापान से सीधा। मैंने दिल्ली आने से पहले थोड़ा सा शिकोका बाद होके निकल जाऊँ तो अच्छा रहेगा। और जो आज का टॉपिक जो था एनवायरमेंटल, माय एनवायरमेंट कीवर्ड है, तो आप जानते ही हैं क्लाइमेट एनवायरमेंट सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है दुनिया में, जापान में हो तो। उसके लिए मैंने आज बात करी थी, रेडिएशन की प्रॉब्लम, न्यूक्लियर पावर की प्रॉब्लम के क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसकी बात करी आज। और पूरा रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया है जो 2011 में अर्थक्वेक की वजह से सुनामी और न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है। तो वो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो कहीं भी हो सकती है। तो इंडिया भी न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये है कि हमें एनवायरमेंट पे ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके रिसर्च है, एजुकेशन है, बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बात है। अब वो पुरानी बात नहीं है कि आप पढ़ लिया हो गया, अब आपको टेक्नोलॉजी से उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से जो आज का नारायण कॉलेज का प्रोग्राम है बहुत बढ़िया स्टार्ट है। मैं बोलूँगा वेरी गुड इनिशिएटिव के सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और नेटवर्किंग हो गई है, सबसे बड़ी है नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन हो गई है। और मैं जिनको नहीं जानता था, मैं प्रोफेसर साहब के अलावा और किसी को जानता नहीं था, तो उनसे मुलाकात हो गई है। और जो मेरे पीछे सब हैं स्पोर्ट्स वाले, तो मेरा दूसरा मकसद है कि स्पोर्ट्स इंडिया और जापान में स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, सो शेयरिंग ऑफ नॉलेज, तो उसके लिए अलग पर्पस है। तो 2 काम एक ही साथ हो गए इस वजह से। और मेरे हिसाब से बड़े शहर में प्रोग्राम, बड़ी कॉन्फ्रेंस के वो तो ठीक है चल रहा है प्रोग्राम, पर जो लोकल कॉन्फ्रेंस है स्मॉल सिटीज़ में, ये नहीं बोलना कि शिकोकाबाद इज़ अ स्मॉल और इरेलीवेंट, नहीं वो वाली बात नहीं, बात यह है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे साइंटिस्ट को जाना ज़रूरी है। तो मेरा ये तो पहले से वही है कि जहाँ पे कोई नहीं जाता आई वॉन्ट टू गो एंड शेयर नॉलेज। ये नहीं है कि मैं बाहर से आया हूँ कुछ बता रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, तो कीवर्ड है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो इसके लिए आज का प्रोग्राम तो बहुत ही हिसाब से मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि स्टार्ट होनी चाहिए, जो भी है इट हैज़ टू स्टार्ट। जापान ने भी स्टार्ट किया 64 ओलंपिक से, देखें कहाँ पहुँचा है, 64 में 40 साल हो गए। इंडिया अभी स्टार्ट करिए तो हम वो जितनी भी नॉलेज है शेयर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो हिसाब से आज की कॉन्फ्रेंस फॉर मी इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं तो तैयार हूँ सबसे बात करने के लिए। और स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है बात करना, तो स्पोर्ट्स की बहुत, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स का पोटेंशियल जापान ने देख लिया है कि इंडियन स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स पर्सनल कि उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जितने मेरे जापानीज़ कोलीग्स हैं, मैं तो स्पोर्ट्स फैकल्टी से हूँ, तो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हम स्पोर्ट्स में इंडिया से कोऑपरेशन करें। तो अब फुटबॉल टीम आई, फुटबॉल के कोचेज आए थे, 2 हफ्ते का प्रोग्राम किया गया था सुकुबा में। और पिछले साल जूडोकोज आई थी, 2 मणिपुर से लड़कियाँ आई थी, तो सब हैरान रह गए थे जापान के सारे कोच के, इतने बढ़िया उन्होंने प्लेयर जूडो का नहीं देखा है। तो ये फ़र्क धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जापान को भी कि इंडिया से कितनी कोऑपरेशन करनी है स्पोर्ट्स में वो पता चल रहा है। तो इसलिए लोकल, ग्लोबल की बात अब ख़त्म हो गई है, लोकल आना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ लोकल फॉर मी एज इट गेट्स। थैंक यू।